नमस्कार, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट उजाल। आज की वीडियो में हम जैन इरिगेशन सिस्टम्स लिमिटेड शेयर का डिटेल्स में टेक्निकल एंड फंडामेंटल को एनालिसिस करेंगे, क्योंकि स्टॉक का प्राइस उसका मल्टी ईयर का रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के लिए अभी रेडी हो रहा है। एंड जिस टाइप का प्राइस स्ट्रक्चर शो कर रहा है, लुक्स लाइक आने वाले टाइम में बड़ा मूवमेंट आ सकता है। तो टारगेट क्या बनेगा, किस टाइप का रिस्क बन रहा है, डिटेल्स में एनालिसिस करते हैं। आज यूजल किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले या एनालिसिस करने से पहले आपको पता होना चाहिए उस स्टॉक का सेक्टर क्या है एंड इंडस्ट्री क्या है। अगर आप स्टॉक का सेक्टर देखेंगे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का और जो इंडस्ट्री है प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का, जैसे कि स्टॉक का जो मार्केट कैप है अराउंड 4514 करोड़ का, कंपनी के पास रिजर्व कैश है 5247 करोड़ का, मार्केट कैप से भी ऊपर इस कंपनी के पास रिजर्व कैश है जिसको आप पॉजिटिव ले सकते हैं। करंट प्राइस चल रहा है 66.6 एंड बुक वैल्यू है 80। बुक वैल्यू के नीचे करंट प्राइस ट्रेडिंग कर रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। प्रमोटर होल्डिंग है लोअर साइड के ऊपर है 26%, जो कि बिलो 50% मार्क है। प्राइस टू बुक वैल्यू है 0.83, डेप्ट इक्विटी है 0.73, जो कि मैनेजेबल है। किसी भी स्टॉक का डेप्ट इक्विटी बिलो 1 आप उसको मैनेजेबल कंसीडर कर सकते हैं। लास्ट 5 ईयर का रिटर्न 5%, लास्ट 3 ईयर का रिटर्न 52% एंड लास्ट 1 ईयर का रिटर्न 65%। लास्ट 5 ईयर का रिटर्न लगभग यहां पे फ्लैट है। इसका मीनिंग है कि लास्ट 5 ईयर से स्टॉक का प्राइस आइदर टाइम वाइज या प्राइस वाइज करेक्शन कर रहा है, जिसकी वजह से रिटर्न फ्लैट है। एंड हमेशा से जो भी स्टॉक मल्टी ईयर का कंसोलिडेशन करता है, आने वाले टाइम में बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि स्टॉक का प्राइस में आगे हम चार्ट में एनालिसिस करेंगे। अगर अभी आप क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस के ऊपर सेल्स एंड नेट प्रॉफिट देखेंगे, तो देखिए सेल्स का ग्रोथ लगभग फ्लैट है एंड नेट प्रॉफिट का ग्रोथ भी फ्लैट है। अभी हम चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। प्रोमोटर होल्डिंग कर रहे हैं 26%, जो कि लोअर साइड के ऊपर। FI के पास माल है 5% और FI यहां पे शेयर होल्डिंग को इंक्रीज किए हैं, जो कि पॉजिटिव साइन है। DI के पास माल है 9%, जो कि मैनेजेबल क्वांटिटी है एंड पब्लिक यहां पे होल्ड कर रहे हैं 59% के आसपास एंड पब्लिक कैटेगरी में बिग इन्वेस्टर यहां पे होल्ड कर रहे हैं अराउंड 18%। तो 59 - 18, तो अराउंड यहां पे रिटेल के पास माल है 41%, जो कि रेड फ्लैग है। किसी भी स्टॉक में रिटेल पार्टिसिपेशन अबव 50% आप उसको रेड फ्लैग कंसीडर कर सकते हैं एंड यहां पे तो रिटेल 41% होल्ड कर रहे हैं, जो कि रेड फ्लैग है। जैसे कि किसी भी स्टॉक में एंट्री करने के लिए तीन तरीका है, आइदर टेक्निकली, नहीं तो फंडामेंटली, नहीं तो टेक्नो फंडा, टेक्निकल प्लस फंडामेंटल। आप इस स्टॉक को टेक्निकल एंड फंडामेंटल थोड़ा सा वीक है, लेकिन जिस टाइप का टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर शो कर रहा है, लग रहा है कि आने वाले टाइम में इसका फंडामेंटल में इंक्रीज आ सकता है, जो कि अभी हम चार्ट में देखेंगे, क्योंकि प्राइस हमेशा से फ्यूचर को डिस्काउंट करके चलता है। जैसे कि आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है, ओपन है जैन इरिगेशन का एंड टाइम फ्रेम यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है वीकली। ईयर 2002 में प्राइस यहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन किया था एंड आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, जैसे कि प्राइस का एक कैरेक्टर है कि आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस प्राइस को हमेशा से रेस्ट चाहिए। एग्जैक्टली देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मल्टीपल रिटर्न देने के बाद प्राइस टॉप ट्रेड किया था ईयर 2009 एंड ईयर 2009 से अभी तक लास्ट 14-15 ईयर से प्राइस देखिए यहाँ पे रेंज के अंदर टाइम वाइज एंड प्राइस वाइज करेक्शन कर रहा है एंड खुद को कंसोलिडेशन कर रहा है। एज पर द प्राइस एक्शन, अगर प्राइस कभी भी कोई भी एक मेजर सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर लेता है, ब्रेक करने के बाद अगर प्राइस पुल बैक करेगा ना, वही मेजर सपोर्ट लेवल अभी के लिए आपका चाहिए रेजिस्टेंस। तो आप यहाँ पे इस ब्लू लाइन के ऊपर फोकस कीजिएगा। प्रीवियसली देखिए जो ब्लू लाइन था ना, यहाँ पे मल्टी ईयर का सपोर्ट जैसा काम कर रहा था एंड फाइनली देखिए प्राइस मल्टी ईयर का सपोर्ट को टेस्ट करने के बाद उसको यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन करने के बाद प्राइस जब यहाँ पे रिकवरी किया, वही लेवल यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस जैसा काम कर रहा था एंड फाइनली देखिए प्राइस यहाँ पे उसका मल्टी ईयर का रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन किया एंड कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट किया था एंड एज पर द प्राइस एक्शन, अगर मेजर रेजिस्टेंस जैसे कि देखिए यहाँ पे ए लेवल रेजिस्टेंस जैसा काम कर रहा था ब्लू लाइन, उसको ब्रेकआउट करने के बाद वही लेवल देखिए यहाँ पे सपोर्ट जैसा काम कर रहा है एंड एग्जैक्टली देखिए प्राइस उसी सपोर्ट को टेस्ट करने के बाद यहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन के साथ ऊपर जा रहे हैं। अगर अभी मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा, तो डेली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं प्राइस के लिए जो मेजर रेजिस्टेंस था ग्रीन लाइन, उसको देखिए हायर हाई फॉर्मेशन के साथ ब्रेकआउट किया है एंड जिस टाइप का स्ट्रक्चर शो कर रहा है, अगर स्टॉक का प्राइस उसका प्रीवियस स्विंग लो 54 लेवल को ब्रेक नहीं करता है, आने वाले टाइम में बड़ा मूवमेंट आ सकता है। तो रिस्क को डिफाइन करने के लिए 54 के आसपास स्टॉप लॉस को प्लेस करना है एंड आने वाले टाइम में स्टॉक का प्राइस के जो टारगेट बनेगा वो बनेगा मल्टी ईयर का रेजिस्टेंस, जो कि लेवल बन रहा है 95। तो यहां पे आप रेड लाइन के ऊपर फोकस कीजिएगा। प्राइस जो यहां पे टॉप ट्रेड किया था ईयर 2009 में, उसके बाद देखिए प्राइस जब भी
रेड लाइन को टेस्ट किया है, प्राइस को मल्टीपल टाइम सप्लाई मिला है एंड प्राइस जाकर यहाँ पे 94 लेवल को टेस्ट करेगा एंड यहाँ पे सोम टाइम कंसोलिडेशन के बाद जिस टाइप का यहाँ पे अभी सेटअप बन रहा है ना, अभी आप प्री अटेम्प्ट कर सकते हैं मॉल्टियर का ब्रेकआउट का जो 94-95 के आसपास है, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी डेली टाइम फ्रेम का जो कंसोलिडेशन है उसको ब्रेकआउट कर दिया है। आने वाले टाइम में 94 लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो बनेगा लाइफ हाई 255 एंड उससे पहले और एक रेजिस्टेंस बन रहा है वो बन रहा है 150। तो आने वाले टाइम में 94, 150 एंड 255 इस तीनों टारगेट को स्टॉक का प्राइस टेस्ट कर सकता है। उसी हिसाब से आप क्वांटिटी मैनेज कीजिएगा एंड रिस्क को डिफाइन करने के लिए जिस टाइप का यहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन क्रिएट किया है 54 के आसपास हम एग्जिट पॉइंट को डिसाइड कर सकते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेटअप है, बस आपका काम है आपका क्वांटिटी को एंड रिस्क को डिफाइन करना जो कि है बिलो 54 के आसपास। अगर अब हम रेशियो चार्ट देखेंगे जेन इरिगेशन वर्सेस निफ्टी 500 का रेशियो चार्ट से अभी हमको आउट परफॉर्मेंस एंड अंडर परफॉर्मेंस का पता चलेगा। तो देखिए रेशियो चार्ट जो है ना यहाँ पे उसका मल्टीयर का रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के बाद अभी कंसोलिडेशन कर रहा है, जैसे कि रेड लाइन है जो कि स्टार्ट हुआ था ईयर 2012 से, उसके बाद देखिए मल्टीपल टाइम उसी लेवल से प्राइस को सप्लाई मिला है। इसका मीनिंग है कि जो रेड लाइन था ना ये था मल्टीयर का रेजिस्टेंस एंड एग्जैक्टली देखिए मल्टीयर का रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के बाद प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है एंड प्रोबेबिलिटी हाई है कि इस टाइम प्राइस यहाँ पे मल्टीयर का रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर सकता है और जैसे ही ब्रेकआउट करेगा यहाँ पे बड़ा आउट परफॉर्मेंस आ सकता है। जैसे ऑलरेडी हम टारगेट कवर किए 94, 150 और 255 तीनों टारगेट को प्राइस टेस्ट कर सकता है और हमेशा से क्वांटिटी को मैनेज कीजिएगा। आई होप आप डेटा एनालिसिस समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।